हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा बंसल, सहायक आचार्य EAFM राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से। आज के वीडियो में हम बात करेंगे BCom प्रथम वर्ष के लिए प्रश्न पत्र द्वितीय आर्थिक पर्यावरण। आज का अपना टॉपिक है औद्योगिक विकास का महत्व, रोल और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। आइए स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक विकास के महत्व के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी देश में जो औद्योगिक विकास है या देश का जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास में उद्योगों की भूमिका सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। जिस राष्ट्र में जितना ज़्यादा औद्योगीकरण होता है, वह राष्ट्र उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। जैसे आप देख लीजिए, इसमें हम एग्जाम्पल लें, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली और रूस आदि जैसे देश हम देखें, तो चूँकि इन देशों में लगातार उद्योगों की स्थापना में वृद्धि हुई है, नई नई तकनीक अपनाई गई है, तो तीव्र औद्योगिकीकरण के कारण ये राष्ट्र आज विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सम्मिलित किए जाते हैं। तो उद्योगों के विकास को, उद्योगों की भूमिका को अर्थव्यवस्था में हम नकार नहीं सकते। जब तक देश में उद्योग विकसित नहीं होंगे, तब तक अर्थव्यवस्था का समुचित रूप से पूर्ण विकास की कल्पना करना दिवा स्वप्न के समान, ये कोरी कल्पना के समान देखा जाता है। इसलिए औद्योगिकीकरण का, उद्योगों का क्या महत्व है, औद्योगिक विकास का देश की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, आइए हम देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट है कृषि के विकास के लिए, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। किसी भी देश में यदि कृषि का विकास करना है, तो इसके लिए उद्योगों का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। उद्योगों के विकास के बिना कृषि का विकास नहीं किया जा सकता। जब उद्योगों में नए यंत्रों का निर्माण होगा, नए बीज, नई मशीनें निर्मित होंगी, कीटनाशक जो है हमारे कीटनाशक या उर्वरक और खाद आदि का निर्माण होगा, तो कृषि का विकास संभव है। तो इस प्रकार से कृषि का विकास तभी संभव है जब देश में उद्योग विकसित होंगे। औद्योगिक आय में वृद्धि होने पर देश में कृषिजन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, और इससे जब कृषिजन्य वस्तुओं की मांग बढ़ेगी, तो किसानों की आर्थिक स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ेगा, किसानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग। हालांकि हमारा देश प्राकृतिक संसाधनों की दृष्टि से बहुत अधिक मात्रा में समृद्ध है, लेकिन उनका उपयोग तभी किया जा सकता है जब देश में उद्योगों का विकास किया जाए। उद्योगों के विकास के बाद ही प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग किया जा सकता है। जब देश में उद्योग विकसित होंगे, तो उनमें मशीनों के लिए लोह अयस्क की आवश्यकता होगी, विभिन्न धातुओं की आवश्यकता होगी यंत्रों के निर्माण के लिए, तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होगा। यदि देश में वन हैं लेकिन उद्योग नहीं है, तो वो वन व्यर्थ पड़े। उद्योगों का विकास होगा तो उन वनों से प्राप्त विभिन्न प्रकार की औषधियों का उपयोग संभव हो पाएगा। वनों से जो भी हमें सामग्री प्राप्त होती है, उन सब का उपयोग तभी संभव हो पाएगा जब हमारे देश में उद्योग विकसित होंगे। तो इस प्रकार से यदि हमें प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण रूप से उपयोग करना है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि उद्योग विकसित हो। इसके लिए मैं एक एग्जाम्पल यहाँ देना चाहूँगी। आप देखिए, देश में हमारे यहाँ पर रेगिस्तान बहुत अधिक मात्रा में विस्तृत रेगिस्तान पाया जाता है। मरुभूमि में मरु यानी कि रेत बहुत अधिक मात्रा में है। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, चाइना ने ऐसे उद्योग विकसित किए हैं जो उस रेत से, जिसको बोल सकते हैं, पत्थर बना लेते हैं, जो अब फर्श पे लगाने का पत्थर है, दीवारों पे लगाने का पत्थर है, उसका निर्माण किया है, तो उसकी आवश्यकता उन्हें पड़ी। यानी कि संसाधन तो हमारे पास भी है, लेकिन उद्योग नहीं है, तो हम उन चीज़ों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जबकि हमारे पास संसाधन बहुत अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो उनका उपयोग तभी संभव होगा जब हमारे पास उद्योग होंगे उनसे संबंधित। तो इसलिए उद्योगों का विकास होना आवश्यक है। उद्योगों का विकास होगा तो ही ये प्राकृतिक संसाधन उपयोगी सिद्ध होंगे। नेक्स्ट देखिए, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीजेज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। देश में यदि उद्योगों का विकास होगा, तब ही रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। जितनी ज़्यादा उद्योग स्थापित होंगे, उतनी ही मात्रा में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। क्योंकि देश में बहुत अधिक बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं, और इस बेरोजगारी को दूर तभी किया जा सकता है जब देश में पर्याप्त मात्रा में उद्योगों की स्थापना की जाए। तो इस प्रकार से उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारी को दूर किया जा सकता है, नए रोजगार के अवसर सृजित किए जा सकते हैं।
संतुलित विकास के लिए बैलेंस्ड डेवलपमेंट। देखिए संतुलित विकास तभी होगा जब देश में पिछड़े क्षेत्रों में भी उद्योगों की स्थापना की जाएगी, उद्योगों का विकास होगा। हमारा देश आज भी असंतुलित विकास से ग्रसित है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो बहुत अधिक विकसित हैं, जिनमें बहुत अधिक विकास हो चुका है। यदि मैं बात करूँ तो महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, तमिलनाडु और पंजाब आदि ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत अधिक विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पर उद्योग धंधे बहुत अधिक मात्रा में स्थापित हुए हैं। उद्योग अधिक संख्या में स्थापित होने के कारण उन राज्यों का विकास बहुत अधिक तीव्र गति से हुआ है। जबकि बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य आज भी बहुत पिछड़े हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में इंडस्ट्रीज़ या उद्योग स्थापित नहीं हो पाए हैं। तो यदि देश में संपूर्ण रूप से संतुलित आर्थिक विकास करना है, संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है, तो पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करना आवश्यक है, उद्योगों का विकास करना आवश्यक है, तभी देश का संतुलित विकास किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, निर्यातों में वृद्धि, इंक्रीज इन एक्सपोर्ट्स। यदि देखिए आप, देश का विकास तभी संभव है जब देश के पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी पूंजी उपलब्ध है, क्योंकि विदेशी पूंजी के माध्यम से हम नई तकनीक खरीदने में सक्षम हो सकते हैं। लेकिन विदेशी पूंजी तभी प्राप्त की जा सकती है जब देश के निर्यातों में वृद्धि हो, और निर्यातों में वृद्धि तभी की जा सकती है जब हमारे पास प्रोडक्शन पर्याप्त मात्रा में हो, माल पर्याप्त मात्रा में हो, और उद्योगों की स्थापना के बिना, उद्योगों के विकास के बिना ये माल हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये निर्यातों पर सीधा सा असर पड़ता है औद्योगिक विकास का। जब देश में औद्योगिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है, अधिक संख्या में उद्योगों की स्थापना की जाती है, तो न सिर्फ देश के जनसंख्या की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, बल्कि निर्यातों में भी वृद्धि होती है। तो इस प्रकार से निर्यातों में वृद्धि के लिए ये आवश्यक है कि उद्योगों का तीव्र गति से विकास किया जाए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में निर्यात किया जा सके, और उन निर्यातों के माध्यम से अधिक मात्रा में विदेशी पूंजी का अर्जन किया जा सके, विदेशी मुद्रा प्राप्त की जा सके। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, इंक्रीज इन नेशनल एंड पर कैपिटा इनकम। किसी भी देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि तभी हो सकती है जब उस देश में औद्योगिकीकरण तीव्र गति से हो। यदि उद्योगों का विकास तीव्र गति से होता है तो देश में प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी, रोजगार सृजन के नए अवसर विकसित होंगे। जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी, तो ऑब्वियसली है लोगों की आय बढ़ने पर देश की राष्ट्रीय आय भी बढ़ेगी। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि भी तभी संभव है जब औद्योगिक विकास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रतिरक्षा में महत्व, इम्पोर्टेंस इन सिक्योरिटी। देश की सुरक्षा मुख्य रूप से उद्योगों पर निर्भर करती है। उद्योग यदि देश में डेवलप हैं, सुरक्षा उपकरण निर्मित करने वाले देश यदि सॉरी सुरक्षा उपकरण निर्मित करने वाले उद्योग यदि देश में विकसित हैं, तो देश में सुरक्षा उपकरण निर्मित हो जाएंगे, गोला बारूद निर्मित होगा, इन आवश्यकताओं की पूर्ति हम स्वयं कर पाएंगे, इनके लिए विदेशों पे हमें निर्भर नहीं होना पड़ेगा। तो इस प्रकार से ना सिर्फ शत्रुओं से हमारी रक्षा होगी, बल्कि देश में एक आत्मनिर्भरता की स्थिति विद्यमान होगी, और देश अन्य देशों के समक्ष सम्मानपूर्वक खड़ा होगा, बिना डर के, बिना झिझक के। तो इस प्रकार से प्रतिरक्षा में भी उद्योग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औद्योगिकरण एवं जीवन स्तर। देश का जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड तभी बढ़ेगा जब देश में उद्योग विकसित होंगे। जब उद्योग विकसित होते हैं तो ना केवल लोगों की आय में वृद्धि होती है। दो पॉइंट यहाँ पर बात करना चाहूँगी मैं। सबसे पहले, जब उद्योग विकसित होंगे तो रोजगार सृजन होगा, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। जब रोजगार के नए अवसर उपलब्ध होंगे तो लोगों की आय बढ़ेगी, चूँकि बेरोजगारी दूर हो जाएगी और आय बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आय से जीवन स्तर बढ़ा। दूसरी बात मैं करना चाहूँगी, जब नए नए उद्योग स्थापित होंगे उनमें अलग अलग वस्तुओं का प्रोडक्शन होगा, और जब ये विभिन्न प्रकार की वस्तुएं समाज में उपलब्ध कराई जाएंगी तो इससे भी उपभोक्ताओं का जीवन स्तर बढ़ेगा। उन्हें नई वस्तुएं देखने को मिलेगी, नई वस्तुओं का उपभोग करने का अवसर प्राप्त होगा, जिससे उनके जीवन स्तर में वृद्धि होगी। आप देख लीजिए लाइफस्टाइल कितनी चेंज हुई है आज़ादी के पश्चात से अभी तक।
बहुत सी चीज़ें जो हम हाथ से करते थे अब मशीनों से करने लगे हैं। तो इस प्रकार से जीवन स्तर तभी उन्नत होगा जब देश में उद्योगों का पर्याप्त मात्रा में विकास होगा, नए उद्योग स्थापित होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जनसंख्या का प्रवर्जन, माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन। यदि देश में उद्योग पर्याप्त मात्रा में विकसित नहीं है तो सारी जनसंख्या कृषि में लगी रहेगी, कृषि पर दबाव बढ़ेगा, जिनमें आप देख सकते हैं कुछ कृषक ऐसे रहेंगे, कुछ जनसंख्या ऐसी होगी जिनकी सीमांत उत्पादकता शून्य होगी। लेकिन यदि देश में उद्योग बहुत अधिक डेवलप है, उद्योगों की स्थापना की जा रही है, तो कृषि से जनसंख्या का पलायन उद्योगों की ओर होगा। इससे कृषि पर जनसंख्या का दबाव कम होगा, प्रति व्यक्ति उत्पादकता बढ़ेगी और लोगों को नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार से तीव्र औद्योगिकरण से, उद्योगों के विकास से, कृषि पर से जनसंख्या का दबाव घटेगा और कृषि में प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि के अवसर प्राप्त होंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा, इंटरनेशनल कंपटीशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में यदि हमारे देश को टिके रहना है तो औद्योगिकीकरण आवश्यक है, उद्योगों का विकास आवश्यक है। उद्योगों में जो वस्तुएं उत्पादित होती है, यदि उद्योगों का तीव्र विकास होता है तो ना सिर्फ उन वस्तुओं की क्वालिटी मेंटेन होगी बल्कि उनकी कीमत भी कम होगी, लागतें कम होती जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे देश की वस्तुएं अन्य देशों की प्रतिस्पर्धा में टिक सकेगी, जिसका इफेक्ट होगा कि हमारा देश समृद्ध होगा, उन्नत होगा, शक्ति संपन्न होगा। इस प्रकार से यदि औद्योगिकीकरण औद्योगिक दृष्टि से देश समृद्ध है तो आर्थिक दृष्टि से वो समृद्ध होगा, शक्ति संपन्न होगा। यहाँ पर मैं बात करूँगी चाइना और अमेरिका की। देखिए उन देशों में चूंकि उद्योग विकसित है इसीलिए आज वो देश शक्ति संपन्न है, उन्हें उनके पास विदेशी मुद्रा की कमी नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में वो टिके हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में टिकने के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण बात है औद्योगिक विकास का होना। तो इसी के साथ ये कुछ पॉइंट हमने देखे जो देश में औद्योगिक विकास के महत्व को इंगित करते हैं, औद्योगिक विकास की भूमिका को दर्शाते हैं। इसी के साथ आज का अपना ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।